नमस्कार साथियों, सफर अनुभूतियों का कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। लीजिए, एक बार फिर हाजिर हूँ अपने लघु कथा संग्रह अभिनंदन से एक नए रंग में रंगी नई कहानी को लेकर। इस कहानी का शीर्षक है हड़ताल। तो सुनिए साथियों, मानिक घर में बड़ा चिंतित और उदास बैठा था, क्योंकि शहर में आज भी दंगाइयों ने हड़ताल करवा रखी थी। वह यह सोचकर परेशान था कि रेहड़ी आज भी नहीं चल पाएगी, शाम को घर का चूल्हा कैसे जलेगा, अपने बच्चों और बूढ़े माँ बाप को क्या खिलाएगा। इसी उधेड़बुन में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पत्नी ने पूछा तो उसने सिर दर्द का बहाना बना दिया। पत्नी बेचैन होकर बोली, चाय बना दूं? आप लेट जाइए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। चाय की इच्छा मन में दबाकर बोला, रेवा चाय रहने दो, आज हड़ताल है, मुन्ने के लिए दूध रखना जरूरी है, मैं सो जाता हूँ, अपने आप ठीक हो जाएगा। वह लेटे लेटे अपने अतीत में पहुंच गया। कॉलेज के दिनों के वह दिन उसकी आंखों के सामने घूमने लगे, जब कभी वह दाखिले को लेकर, परीक्षा को लेकर अथवा रिजल्ट आदि को लेकर हड़ताल का हिस्सा बनता और सड़क पर उतर आता। कॉलेज और बाजार बंद करवाकर उसे अपने जोश पर, अपने रुतबे पर बड़ा गर्व होता। आज उसे एहसास हो रहा था कि उस समय भी न जाने उसके कारण कितने घरों में दूसरे समय चूल्हा नहीं जलता होगा, न जाने कितने बूढ़े माँ बाप और कितने बच्चे भूख से बिलबिलाते होंगे। आज जैसे मेरा चूल्हा एक कोने में मेरे मन की तरह ही सिसक रहा है और मैं भी उसे देख देख कर। धन्यवाद साथियों, आभार। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और ऐसी ही नई नवेली कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।